वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज़ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर वन, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें रूल वन आता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जिसमें कहा गया है कि दीज रूल्स में बी कॉल्ड जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। रूल वन इज़ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, ऐसा इसका नाम रहेगा। और दे शैल कम इंटू फोर्स एट वंस एंड शैल बी अप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट अटैच एंड सबऑर्डिनेट बॉडीज। तो ये अप्लीकेबल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज के लिए, उसके अलावा डिपार्टमेंट्स के लिए, और जो भी अटैच और सबऑर्डिनेट बॉडीज़ है उनको भी अप्लीकेबल रहेंगे GFR 2017। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 अप्लीकेबल किस किस को रहेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और अटैच्ड और सबऑर्डिनेट जो बॉडीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको। नेक्स्ट, इसके जो प्रोविजन है, द प्रोविजन्स कंटेन इन GFRs आर डीम्ड टू बी अप्लीकेबल टू ऑटोनोमस बॉडीज। ऑटोनोमस बॉडीज जो है उनको भी ये अप्लीकेबल रह सकते हैं, लेकिन अगर उन ऑटोनोमस बॉडीज़ के कुछ खुद के लॉ बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किए गए हैं, तो फिर इस केस में ये रूल लागू नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड द बायलॉज ऑफ एन ऑटोनोमस बॉडीज प्रोवाइड्स फॉर सेपरेट फाइनेंशियल रूल विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने उनके बायलॉज अप्रूव कर दिए हैं तो ऐसे केस में ये GFR लागू नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है रूल टू डेफिनेशन। इसमें कहा गया है, इन दिस रूल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, फर्स्ट डेफिनेशन इज अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर मीन्स हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट और हेड ऑफ अ पे एंड अकाउंट ऑफिस। तो अकाउंट ऑफिसर एक हेड रहेगा, कौन से ऑफिस का, एक तो ऑफिस ऑफ अकाउंट का हेड रह सकता है या फिर वो पे एंड अकाउंट ऑफिस PAO उसका हेड रह सकता है। तो अकाउंट ऑफिसर दो जगह का हेड रह सकता है, या तो ऑफिस ऑफ अकाउंट का या PAO का। ऑफिस ऑफ अकाउंट मतलब अपना हेड ऑफिस पकड़ लीजिए, अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो अकाउंट ऑफिसर मीन्स हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट और द हेड ऑफ अ पे एंड अकाउंट ऑफिसर। और ये पे एंड अकाउंट ऑफिस सेट कैसे किया गया है, सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। पे एंड अकाउंट ऑफिस सेट अप अंडर द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, सेकंड डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय वॉट एवर नेम डिजिग्नेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा यूनियन टेरिटरी का रहेगा, ये पॉइंट याद में रखना। यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे, या किसी भी दूसरे नाम से उनका डिजिग्नेशन रह सकता है। नेक्स्ट, थर्ड डेफिनेशन अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मीन्स असाइनमेंट ऑफ फंड। अप्रोप्रिएशन मतलब कुछ फंड पर्टिकुलर यूनिट को असाइन करना, देना उनको, अगर कुछ फंड दे रहे तो ये अप्रोप्रिएशन हो गया। अप्रोप्रिएशन मीन्स असाइनमेंट ऑफ फंड किसके लिए, टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर। जो पर्टिकुलर कुछ उनके जो एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने के लिए कुछ फंड अगर हम दे रहे हैं किसी प्राइमरी यूनिट को, तो वो उसे हम अप्रोप्रिएशन कहेंगे। अप्रोप्रिएशन मीन्स असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स। असाइनमेंट ऑफ फंड मतलब अप्रोप्रिएशन, इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। और ये किस चीज़ में रहेंगे, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब हो गया असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑडिट ऑफिसर मीन्स हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ ऑडिट। ऑडिट ऑफिसर का मतलब रहेगा हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर एनी ऑफ दिस रूल द प्रेसिडेंट। एक तो प्रेसिडेंट रहेंगे, GFR के अंडर जो पावर्स दिए गए वो एक्सरसाइज करने के लिए प्रेसिडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगी, या फिर दूसरा कंडीशन कौन सा, और सच अदर अथॉरिटी टू विच द पावर इज डेलीगेटेड बाय और अंडर दिस रूल्स, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल और एनी अदर जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी दूसरी अथॉरिटी को ऐसे पावर दिए गए हैं तो वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगी। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहेगी, प्रेसिडेंट। उसके बाद में किसी ऐसे अथॉरिटी को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी लॉ के द्वारा पावर दिए गए तो उसे भी हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG मीन्स CAG ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेवन्थ, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रेफर्ड टू इन आर्टिकल 266(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंसोलिडेटेड फंड
ये आर्टिकल 266(1) में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो टोटल तीन फंड रहेंगे ये, पहला रहेगा कंसोलिडेटेड फंड जो आर्टिकल 266(1) में है, उसके बाद में है दूसरा पब्लिक अकाउंट जो आर्टिकल 266(2) में है, और थर्ड रहेगा कंटिंजेंसी फंड जो आर्टिकल 267(1) में दिया गया है। तो कंसोलिडेटेड फंड मतलब ऐसा फंड रहेगा जहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, तो वहाँ पे पैसा आएगा जो हम टैक्स वगैरह भरते हैं उससे। दूसरा पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा, जो पोस्ट ऑफिस में पब्लिक लोग डिपॉजिट करते हैं उससे पैसा आ सकता है। और तीसरा है कंटिंजेंसी फंड, ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया फंड है जिसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो है 500 करोड़ का रहता है, और यहाँ से गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट की परमिशन के पैसे निकाल सकती है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। उसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट है वहाँ से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कंटिंजेंसी फंड से अगर पैसा निकाल रही गवर्नमेंट तो उतना ही पैसा उसे वापस उस कंटिंजेंसी फंड में वापस डालना पड़ेगा, और वो पैसा उसको कंसोलिडेटेड फंड से डालना पड़ता है, जिसके कारण फिर से उसे अप्रूवल लेना ही पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। तो टोटल तीन प्रकार के फंड है, पहला कंसोलिडेटेड फंड जो आर्टिकल 266(1) में दिया गया, और यहाँ से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, जो हम लोग इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं उस पे। दूसरा है पब्लिक अकाउंट जो आर्टिकल 266(2) में दिया गया है, और यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, जो पब्लिक डिपॉजिट करती है जैसे अपने PPF सुकन्या हो गए एट्सेट्रा। और तीसरा है कंटिंजेंसी फंड जो इमरजेंसी फंड है, और उसमें पैसा मैक्सिमम 500 करोड़ रहता है, और गवर्नमेंट वहाँ से पैसा निकालने के लिए किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। ये आर्टिकल 267(1) में दिया गया, ये शॉर्ट में, ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे उसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 9 कंटिंजेंसी फंड, अभी बताया था कंटिंजेंसी फंड मीन्स कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 267(1)। ये आर्टिकल 267(1) में दिया गया है कंटिंजेंसी फंड, ये एक प्रकार का इमरजेंसी फंड रहता है, अगर कुछ इमरजेंसी आती है गवर्नमेंट के लिए तो वो यहाँ से पैसे निकाल सकती है विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती इसमें से पैसा निकालने के लिए। ये 500 करोड़ का रहता है, लेकिन इसमें जब वापस पैसा डालना पड़ता है तो वो कंसोलिडेटेड फंड से निकालना पड़ता है, और तब पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट 10th कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर मतलब कंट्रोल करेगा, लेकिन क्या कंट्रोल करेगा, जो एक्सपेंडिचर है और जो कलेक्शन है इसको कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर मीन्स एन ऑफिसर इंटरेस्टेड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड और द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको अपॉइंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जिस डिपार्टमेंट का ये है वो डिपार्टमेंट इसे अपॉइंट करेगा। उसके बाद में ये काम कौन सा करेगा, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, तो खर्चा कितना करना है वो कंट्रोल करेगा, और रेवेन्यू कलेक्शन जो करेंगे उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर। द टर्म शैल इंक्लूड अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके टर्म में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आ सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कंट्रोलिंग ऑफिसर रह सकता है, और उसके अलावा यूनियन टेरिटरी अगर है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी कंट्रोलिंग ऑफिसर रह सकता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर के इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आ सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी आ सकता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 नंबर, इसका मतलब रहेगा एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स सेक्रेटरीज एंड ऑफिसेस एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आएंगे, मिनिस्ट्रीज आएंगे, डिपार्टमेंट्स आएंगे, सेक्रेटरीज आएंगे एंड ऑफिसेस एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। तो डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्रीज भी आ सकते हैं, डिपार्टमेंट्स भी आ सकते हैं, और सेक्रेटरीज और दूसरे जो ऑफिसेस है वो भी आ सकते हैं, और इसकी लिस्ट कहाँ पर रहेगी, फर्स्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO मीन्स अ हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑल्सो एनी अदर गैजेटेड ऑफिसर DDO। ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर में कौन आएगा, हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑल्सो
एनी अदर गैजेटेड ऑफिसर। तो इसमें दो लोग आएंगे, एक तो ऑफिस का हेड आएगा या फिर दूसरा कोई गैजेटेड ऑफिसर आ सकता है। डीडीओ मीन्स हेड ऑफ ऑफिस आएगा या कोई दूसरा गैजेटेड ऑफिसर आएगा। उसके बाद में इसको अपॉइंट कौन करेगा, सो डिजिग्नेटेड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको अपॉइंट करेगा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट या फिर दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का कोई हेड है तो वो भी अपॉइंट कर सकता है डीडीओ को, और तीसरा अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर। दो पॉइंट देख लिए, पहला डीडीओ मतलब किसी ऑफिस का हेड या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर। उसके बाद में इसको डिजिग्नेट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में काम क्या करेगा, टू ड्रॉ बिल्स एंड मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काम क्या करेगा, बिल ड्रॉ करने का और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट करने का। उसके बाद में द टर्म शैल आल्सो इंक्लूड अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर वेयर ही हिमसेल्फ डिस्चार्ज सर्च फंक्शन। तो इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर भी आ सकते हैं अगर वो लोग खुद ये डीडीओ का काम कर रहे हैं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर भी इसमें आ सकते हैं अगर वो लोग खुद डीडीओ का काम कर रहे होंगे तो। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर बिगिनिंग ऑन द 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन द 31 मार्च फॉलोइंग। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर रहेगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में 16 नंबर गवर्नमेंट अकाउंट मीन्स अकाउंट रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड अ पब्लिक अकाउंट एज डिफाइंड इन दिस रूल। तो गवर्नमेंट अकाउंट तीन प्रकार के रहेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, उसके बाद में कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। यहाँ पर याद में रखना पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक फंड मतलब गवर्नमेंट अकाउंट रहता है, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट हो गया। टोटल 3 अकाउंट है गवर्नमेंट के, यानी टोटल 3 पब्लिक फंड है ऐसा भी बोल सकते हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी फंड और तीसरा पब्लिक अकाउंट। नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स एन अथॉरिटी और पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन रह सकता है, जिसकी रैंक डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे नहीं रहनी चाहिए। मिनिमम डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अगर कोई है तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते। दूसरा पॉइंट, डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रिलेशन टू एन आइडेंटिफाइबल एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट्स। तो कंसर्न जिस डिपार्टमेंट के ये हेड है वहाँ के उसी डिपार्टमेंट ने इन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया होना चाहिए। डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के ये हेड होंगे उस डिपार्टमेंट इनको डिक्लेयर करेंगे कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट जो है ये आइडेंटिफाइबल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इन रिलेशन टू एन आइडेंटिफाइबल एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट, और ये काम कौन से करेंगे, टू एक्सरसाइज द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर अंडर दिस रूल। तो ये GFR के जो रूल है उनके अंदर ये फाइनेंशियल पावर यूज़ करेंगे। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में टोटल 3 पॉइंट्स है, पहला इन कौन रह सकते हैं, तो इनकी रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी के नीचे की नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वही डिक्लेयर करेंगे इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और तीसरा, ये डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर जो है उसको यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में हेड ऑफ ऑफिस, अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, अभी हेड ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। हेड ऑफ ऑफिस मीन्स अ गैजेटेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज सच इन द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स एंड एनी अदर अथॉरिटी डिक्लेयर्ड एज सच अंडर एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो हेड ऑफ ऑफिस एक तो गैजेटेड ऑफिसर रहेंगे जिनको इन फाइनेंशियल पावर का जो रूल है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के जो रूल है उनके अंदर दिया गया है, उन गैजेटेड ऑफिसर को हम हेड ऑफ ऑफिस बोल सकते हैं। दूसरा, किसी और अथॉरिटी को, एनी अदर अथॉरिटी डिक्लेयर्ड एज सच अंडर द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्पेशल ऑर्डर निकाल के किसी को अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया है तो वो अथॉरिटी भी हेड ऑफ ऑफिस बोल सकते हैं। सॉरी, हेड ऑफ ऑफिस मतलब एक तो गैजेटेड ऑफिसर रहेंगे या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको ऑर्डर निकाल के हेड ऑफ ऑफिस बना दिया गया है। उसके बाद में लोकल बॉडी। लोकल बॉडी मीन्स एन अथॉरिटी लीगली एंटाइटल, एक तो ये लीगली एंटाइटल बॉडी रहेगी, लीगली कानूनी तौर पर बनाई गई बॉडी लोकल बॉडी होगी, या फिर और स्पेशली एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर अ लोकल फंड, या फिर गवर्नमेंट ने ऐसी एक लोकल फंड को
मैनेज करने के लिए एक अगर बॉडी बनाई गई है तो उसे भी हम लोकल बॉडी कह सकते हैं। तो लोकल बॉडी दो प्रकार से हो सकती है, एक तो लीगली अथॉरिटी लीगली बनाई गई होगी, या फिर गवर्नमेंट ने लोकल फंड को मैनेज करने के लिए लोकल बॉडी बनाई हो सकती है। लोकल बॉडी मीन्स एन अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड और स्पेशली एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर अ लोकल फंड। नेक्स्ट लोकल फंड, लोकल फंड की डेफिनेशन दी गई है रूल 652 ऑफ द ट्रेजरी रूल्स। लोकल फंड मीन्स रूल 652 ऑफ द ट्रेजरी रूल्स उसमें दी गई है। नेक्स्ट 21 नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमेशा नहीं होते हैं उनको नॉन रिकरिंग कहेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी जो एक्सपेंडिचर होंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 23 प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन मीन्स प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन रेफर्ड टू इन रूल 8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल। तो फाइनेंशियल पावर रूल्स जो 8 नंबर के रूल है उसमें दिए गए हैं, उस हिसाब से प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन हम बता सकते हैं। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन रेफर कहा है, ये रूल 8 में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट मीन्स द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू इन आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक अकाउंट मीन्स पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू इन आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 266(2) में कॉन्स्टिट्यूशन के पब्लिक अकाउंट दिया गया है। नेक्स्ट पब्लिक वर्क, पब्लिक वर्क मीन्स सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूडिंग पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा बोथ ओरिजिनल एंड रिपेयर वर्क एंड एनी अदर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फॉर द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। पब्लिक वर्क मीन्स एक तो सिविल वर्क होगा या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग भी आ सकते हैं, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब वर्क आते हैं। एक तो ये ओरिजिनल रहेंगे या फिर रिपेयरिंग के वर्क रह सकते हैं, या फिर किसी दूसरे प्रकार के प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनरल पब्लिक के लिए यूज़ किए गए, ये सारे पब्लिक वर्क में आ सकते हैं। तो पब्लिक वर्क मीन्स सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क, और कौन कौन से आते हैं उसमें, इंक्लूडिंग पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा बोथ ओरिजिनल एंड रिपेयर वर्क एंड एनी अदर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ फॉर द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। नेक्स्ट 26 री अप्रोप्रिएशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अदर सच यूनिट। तो री अप्रोप्रिएशन का मतलब एक प्राइमरी यूनिट से फंड ट्रांसफर करेंगे दूसरे प्राइमरी यूनिट में, जिसे हम री अप्रोप्रिएशन कहेंगे। रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल्स फॉर द सेम पर्पज। सेम पर्पस के लिए अगर बार बार एक ही पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो हो गया रिकरिंग एक्सपेंडिचर, और पीरियोडिकल इंटरवल के बाद में। एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर के अलावा जो बाकी के एक्सपेंडिचर है उसे हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। उसके बाद में रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर एनी ऑफिस और एजेंसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक का मतलब एक तो आरबीआई ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोई दूसरी ऑफिस और एजेंसी जो रिजर्व बैंक की ही है, एंड इंक्लूड्स एनी बैंक एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से अगर कोई एजेंट के रूप में कोई बैंक काम कर रहा है तो उसे भी हम रिजर्व बैंक ही कहेंगे। तो रिजर्व बैंक में कौन कौन से आते हैं, एक तो आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आएगा कोई ऑफिस या एजेंसी जो रिजर्व बैंक की खुद की, या फिर कोई बैंक जो रिजर्व बैंक की तरफ से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो उसे भी हम रिजर्व बैंक ही कहेंगे। नेक्स्ट सबॉर्डिनेट अथॉरिटी मीन्स द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। तो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट आ सकता है या कोई अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट को सबॉर्डिनेट है वो भी आ सकती है। सबॉर्डिनेट अथॉरिटी मीन्स अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट ट्रेजरी रूल्स मीन्स ट्रेजरी रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेजरी रूल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी रूल। नेक्स्ट कैपेक्स मॉडल, कैपेक्स मॉडल मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन कैपेक्स मॉडल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ यूज्ड बाय द बायर्स टू स्ट्रेटवे परचेज गुड्स। तो सबसे पहले जो बायर है वो
गुड्स डायरेक्टली परचेस करेंगे, उसके बाद में फॉलोड बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ कंज्यूमेबल्स, उसके बाद में उस गुड्स के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसकी खरीदी करेंगे, अरेंजिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, उसके बाद में मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट इशू करेंगे वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद में, और फाइनली उस प्रोडक्ट को उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद डिस्पोज करेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा खर्चा खुद ही कर रहे हैं, कैपेक्स मॉडल मतलब खुद का, खुद खरीदी करना, खुद परचेस करेंगे। और दूसरा रहता है ओपेक्स, उसमें हम रेंट पे लेते हैं। तो कैपेक्स मॉडल में सबसे पहले हम पैसा खरीद कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें यूज़ करेंगे बायर टू स्ट्रेट वे परचेस गुड, डायरेक्टली मार्केट से परचेस कर सकते हैं, वही परचेस करेंगे पहले, उसके बाद में उसके कंज्यूमेबल्स जो है उसको प्रोकर करेंगे, उसके बाद में उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसी दूसरे को वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद में, और जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी उस प्रोडक्ट की तो उसको डिस्पोज करेंगे। तो ये सब हम खुद करेंगे, ये हो गया कैपेक्स मॉडल। उसके बाद में दूसरा ओपेक्स मॉडल, ओपेक्स मॉडल द सेलर प्रोवाइड्स द गुड, मतलब जो सेलर है वही गुड्स प्रोवाइड करेगा, उसके बाद में उसको मेंटेन भी करेगा, और ऑल्सो प्रोवाइड द कंज्यूमेबल एज रिक्वायर्ड एंड फाइनली टेक्स बैक द गुड आफ्टर यूजफुल कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ। तो सेलर खुद ही पहले गुड्स प्रोवाइड करेगा, उसके बाद में उसका जो भी कंज्यूमेबल्स लगता है उसकी जो मटेरियल रिफिलिंग या जो भी रिफिलिंग वगैरह वो सब वही सेलर जो है वो प्रोवाइड करेगा, और फाइनली जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसे वापस ले जाएगा उस चीज़ को। उसके बाद में द एक्सपेंडिचर इज़ मेड बाय द बायर इन अ स्टैगर्ड मैनर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी इसका खर्चा होगा वो स्टैगर्ड मैनर में जो भी टर्म कंडीशन है उस हिसाब से पेमेंट होगा इसमें। तो ये हो गया ओपेक्स मॉडल। उसके बाद में रूल थ्री, इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस। तो जब व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ केस कंसर्न्स मोर देन वन डिपार्टमेंट नो ऑर्डर शैल बी इशूड अंटिल ऑल सच डिपार्टमेंट्स हैव कॉन्कर्ड और फेलिंग सच कॉन्करेंस अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कैबिनेट। तो जब भी कोई डिसीजन लेने के वक्त कोई केस आता है जिसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे केस में सारे डिपार्टमेंट की कॉन्करेंस लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लेते हैं तो ऐसे केस में उसको अप्रूव, उसका डिसीजन जो है वो या तो कैबिनेट लेगा या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको कैबिनेट ने परमिशन दिए वो ले सकती है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ केस कंसर्न्स मोर देन वन डिपार्टमेंट, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व है किसी केस में, तो नो ऑर्डर शैल बी इशूड अंटिल ऑल सच डिपार्टमेंट हैव बीन कॉन्कर्ड। तो जब तक ऐसे सारे डिपार्टमेंट को हम पूछ नहीं लेते, उनकी परमिशन नहीं लेते, तब तक कोई ऑर्डर नहीं निकलेंगी। अगर निकालने चाहते हैं, अगर फेलिंग सच कॉन्करेंस ऐसा अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो एक डिसीजन लिया जाएगा बाय या तो कैबिनेट द्वारा अंडर द अथॉरिटी ऑफ कैबिनेट या फिर कैबिनेट की अथॉरिटी के द्वारा। इन दिस रिगार्ड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एवरी केस इन विच अ डिसीजन इफ टेकन इन वन डिपार्टमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस अलॉटमेंटेड टू अनदर डिपार्टमेंट शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ केस विच कंसर्न मोर देन वन डिपार्टमेंट। तो ऐसा कोई भी डिसीजन जिसमें कोई दूसरा डिपार्टमेंट अफेक्ट हो रहा है तो ऐसे सारे डिसीजन को भी इंटर डिपार्टमेंटल डिसीजन ही बोले जाएंगे। In this regard, it is clarified that every case in which a decision, if taken in one department, is likely to affect the transaction of business allotted to another department. किसी एक department के decision के कारण अगर दूसरा department affect हो रहा है तो उसको भी shall also be deemed to be a case which concern more than one department. इसको भी हम एक से ज़्यादा department involved है ऐसा माना जाएगा। Next, rule 4, departmental regulations of financial character. डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर रूल 4 में दिया गया, और डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस इन सो फार एज दे एम्बडी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो जितने भी डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस है जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर के कुछ ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन आते हैं और हैव इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल बियरिंग मस्ट इनवेरिबली बी मेड बाय और विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये ऐसे जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड ऑर्डर है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही किए जाएंगे या फिर उसके अप्रूवल से किए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जब तक अप्रूवल नहीं देती तब तक ऐसे ऑर्डर्स नहीं निकलेंगे जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर है। रूल 5 है रिमूवल ऑफ डाउट्स। वेयर अ डाउट अराइजेस एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल
द मैटर शैल बी रेफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जब भी कोई डाउट आएगा ऐसे रूल्स में तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कंसल्ट किया जाएगा और उसके डिसीजन फाइनल रहेगा। रूल सिक्स है मॉडिफिकेशंस। द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय दिस रूल्स आर सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स विच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसकी सिस्टम और प्रोसीजर जो है इन रूल्स की वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही डिसाइड करेंगी किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करना है। द सिस्टम एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय दिस रूल्स आर सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स विच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके सिस्टम प्रोसीजर की पूरी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेंगी। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करेगी। द सिस्टम एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय दिस रूल्स मे बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी ओनली विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर कोई दूसरी अथॉरिटी इसको मॉडिफाई करना चाहती है तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा। तो यह था GFR का चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।